मेहुल दिन भर के केसेस सॉल्व करने के बाद अपने घर जा रहा था। अचानक हर जगह की लाइट चले जाती है, तेज बिजली कड़कने लगती है, तो मेहुल आसपास में रुकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। तभी मेहुल को सामने एक बंगला दिखता है। मेहुल बंगले की तरफ बढ़ता है तो दरवाजा लॉक था। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं डोर को ओपन करने का कोड क्या होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 × 4 = 16 माइनस ये 4 = 12 हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड वाले ट्राइंगल में 5 × 2 = 10 माइनस 1 = 9 हो जाएगा। तो आखिरी वाले ट्राइंगल में 8 × 2 = 16 माइनस 9 = 7 हो जाएगा। तो कोड हो जाएगा 7। मेहुल कोड 7 प्रेस करता है और बंगले के अंदर आ जाता है। बंगले के अंदर काफी अंधेरा होता है। तभी मेहुल को सामने 3 डोर्स दिखते हैं। ये क्या, तीनों डोर जिक्सॉ दिख रहे हैं। पहला है एलियन जिक्सॉ डोर, दूसरा है एनिमल जिक्सॉ डोर और तीसरा है डायनासोर जिक्सॉ डोर। अब ये डोर्स को खोलने के लिए मेहुल को पहले जिक्सॉ पजल सॉल्व करना होगा। मेहुल थोड़ा सोचता है और फटाफट इन जिक्सॉ पजल्स को सॉल्व कर लेता है। तो डोर ओपन हो जाते हैं। आप भी ऐसे ही जिक्सॉ डोर्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके लिए जिक्सॉ डोर का गेम बनाया है जिसमें आपको अलग अलग तरह के जिक्सॉ डोर्स को सॉल्व करना है। गेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीनों दरवाजे खुल जाते हैं। पहले दरवाजे के पीछे जंगली शेर है। अगर मेहुल यहाँ गया तो शेर उसे कच्चा चबा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे क्रोकोडाइल्स है जो भूखे है। मेहुल अगर वहां गया तो क्रोकोडाइल्स मेहुल को खा लेंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे पानी है और उस पानी में इलेक्ट्रिक वेव्स है। अगर मेहुल वहां गया तो वो शॉक से मर जाएगा। अब क्या करेगा मेहुल? कौन सा दरवाजा चुनेगा मेहुल? आपको क्या लगता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल तीसरे दरवाजे से जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं, मतलब पानी में इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहेगा, तो मेहुल आराम से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 3 प्रोफाइल्स है, इनको ध्यान से देखिए। क्या आप इन तीनों प्रोफाइल को देख के बता सकते हैं कौन सा प्रोफाइल फेक है, नकली है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर इस आदमी का बर्थडे 15 मई 1999 है तो वो 2012 में 13 साल का ही होगा। 13 साल की उम्र में उसका ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट हो सकता है? मतलब ये प्रोफाइल फेक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। FBI के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। अभी अभी एक खबर आई है कि उनके बीच में एक एलियन छुपा हुआ है जो सारी इंफॉर्मेशन उनके प्लैनेट पे भेज रहा है। दुनिया के बेस्ट डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है एलियन को ढूंढने के लिए। मेहुल सारे एजेंट की फाइल्स बुलाता है। सबको अच्छे से देखने के बाद उसे 4 लोगों पे शक जाता है। इन चारों में से कोई एलियन है, इलेना, करण, आदित्य या रोहन, कौन हो सकता है? मेहुल बहुत सोचता है पर उसे समझ नहीं आता। क्या आप मेहुल की मदद कर सकते हैं एलियन को ढूंढने में? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप इलेना के अक्षर को देखेंगे तो समझेगा कि वो एलियन भी बन सकता है। इलेना ही एलियन है। मेहुल को समझ जाता है और वो एलियन को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में एक नया पागल खाना खुला है। वहां भर्ती होने वाले पागलों को फ्री खाना मिलता है। पहले ही दिन डॉक्टर से मिलने 4 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए।
चारों बोल रहे थे कि उन्हें एडमिट होना है। केतन बोलता है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, वो एक साइकिल भी नहीं चला सकता। संकेत बोलता है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, वो पानी के नल की तरफ भी नहीं देख सकता। रोशनी बोलती है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसे बंद जगह में रहने से बहुत डर लगता है, वो लिफ्ट में जाते से बेहोश हो जाती है। रोहन बोलता है उसे बैक्टीरिया और जर्म्स का फोबिया है, वो दिन में 100 बार हाथ धोता है। डॉक्टर सबकी बातें सुन के उनके घर जाने का डिसाइड करता है। यह है केतन का घर, यह है संकेत का घर, यह है रोशनी का घर और यह है रोहन का घर। चारों के घर देखने के बाद डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। डॉक्टर को कैसे समझता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संकेत को पानी से डर है, फिर उसके घर में एक फिश पॉन्ड कैसे रखा हुआ है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। रोशनी को बंद जगहों में रहने से डर लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका घर हर जगह से बंद है, मतलब वो झूठ बोल रही है। रोहन के घर में काफी पौधे हैं, जिनसे बैक्टीरिया और जर्म ज्यादा आएंगे, मतलब रोहन भी झूठ बोल रहा है। सिर्फ केतन सच बोल रहा है, उसके घर में तो बेड भी नहीं है और उसका टेबल भी कम हाइट का है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजीव उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया को लेके घर आता है। राजीव, वेलकम टू माय होम प्रिया। सॉरी, आज घर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्या करूं, सिंगल हूं ना। तभी रूम के कॉर्नर में प्रिया को लेडी शू दिखते हैं और वो राजीव से पूछती है, तुम तो सिंगल हो, बैचलर हो, तो ये शू किसके हैं? राजीव बोलता है कि ये शू मेरे बहन के हैं, वो कभी कभी मेरे घर आती है। फिर प्रिया की नजर उसके पूरे रूम पे पड़ती है और वो राजीव पे चिल्ला के निकल जाती है। क्यों, ऐसा क्या देखा प्रिया ने, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप रूम को ध्यान से देखेंगे तो बेड के पीछे एक बॉक्स में बच्चों के खिलौने दिख रहे हैं, दो जोड़ी स्लीपर्स भी दिख रहे हैं और एक एंगेजमेंट रिंग भी दिख रही है, मतलब राजीव शादीशुदा है और वो झूठ बोल रहा था, इसलिए प्रिया चले जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब बताएं, आपने कौन सा डॉग देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब बताएं, आपने कौन सी पेंसिल देखी थी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब बताएं, आपने कौन सा कलर का बॉक्स देखा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इनके सही जवाब है, डॉग का ए है, पेंसिल का बी है और कलर का सी है। तो कैसी गई आपकी मेमोरी टेस्ट और कितने सही किए आपने, जल्दी से कमेंट कीजिए। एक किडनैपर ने आपके मॉम डैड और आपकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया है, वो आपसे दो पहेली पूछेगा। पहली पहेली पे वो आपके मॉम और डैड को आजाद करेगा और दूसरी पहेली पे आपकी गर्लफ्रेंड को। वो आपसे पहली पहेली पूछता है, पानी है पर बाहर नहीं, पूछ है पर बंदर नहीं, दाढ़ी है पर मूछ नहीं, आंख है पर जीभ नहीं। आप बता सकते हैं ये चीज क्या है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है नारियल।
किडनैपर अब आपसे दूसरी पहेली पूछता है। लंबा तन है, बदन है गोरा, मीठे रहते मेरे बोल, तन पर मेरे होते छेद, भाषा का नाम मैं करूं भेद, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है बांसुरी। हमें कमेंट में बताएं कि आप अपने मॉम डैड और आपकी गर्लफ्रेंड को आजाद कर पाए या नहीं। और हाँ, जिक्सो डोर गेम जरूर डाउनलोड करें। मैं आपको 160 डोर सॉल्व करने का चैलेंज देता हूँ। गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।